दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान BSTC एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी करने को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बार राजस्थान DLED में दोस्तों 6 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। तो दोस्तों, कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलेगी, क्योंकि अब सिर्फ 5 से 4 दिन का समय ही आपके पास बचा हुआ है परीक्षा में दोस्तों। और एडमिट कार्ड हालांकि कल जारी होने थे, लेकिन कल रविवार होने की वजह से या छुट्टी होने की वजह से दोस्तों आपके एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए। लेकिन आज आपके 100% एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ 5 दिन का ही समय बचा हुआ है। आज 3 अक्टूबर हो चुका है दोस्तों, और 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा 2 बजे से 5 बजे तक। और आपके जो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे दोस्तों, आपके ही ज़िले में रहने वाला है, बाहर सेंटर नहीं जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड आज आपकी ऑफिशियली जो वेबसाइट है उस पर आप डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और उसमें आपको दोस्तों जो है डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड निकाल पाओगे। तो एडमिट कार्ड निकालना सिंपल है, जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे मैं आपको निकाल के भी बताऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों, 8 अक्टूबर को एग्जाम होगी और पूरे राजस्थान में इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है दोस्तों। 372 DLED कॉलेज हैं, राज्य स्तरीय मेरिट बनती है इसकी। इस बार दोस्तों 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं। पिछली जो DLED की एग्ज़ाम हुई थी उसमें 4.5 लाख फॉर्म थे, इस बार आपके लगभग 6 लाख फॉर्म हैं। तो इस बार कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा दोस्तों। हालांकि सीटें पिछली साल की अपेक्षा बढ़ा दी गई हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें इस बार पढ़ने के लिए छात्रों को काफ़ी समय मिला है। पहले आपकी 2 साल से एग्ज़ाम अगस्त के महीने में हो रही थी, 31 अगस्त को, लेकिन इस बार 8 अक्टूबर में, यानी कि 2 महीने लेट एग्ज़ाम हुई है। तो उसका फ़ायदा भी छात्रों को हुआ है कि उनकी तैयारी और अच्छे से हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों, अगर मैं हम कट ऑफ की या सेफ स्कोर की बात करूँ यहाँ पर, तो 600 नंबर का आपका पेपर होता है दोस्तों, और 600 नंबर में से कम कोशिश करें कि आपके 400 नंबर आए। जनरल वाले और OBC वाले 390 से 400 के मध्य स्कोर करने की कोशिश करें, तभी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। 2020 में आपने कट ऑफ देखी होगी दोस्तों, 400 और 300 नंबर वाले छात्रों को भी कॉलेज नहीं मिली थी, क्योंकि दोस्तों तब आपके जो फॉर्म थे वो भी ज़्यादा भरे गए थे और उसमें दोस्तों पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिला था, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा हाई गई थी। और पेपर का लेवल तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ना तो ज़्यादा टफ आता है ना ज़्यादा ईजी आता है, एक जैसा ही पेपर रहता है प्रत्येक वर्ष। लेकिन जो फॉर्मों की संख्या है, फॉर्म कितने भरे गए हैं, उससे कट ऑफ आपकी खासा प्रभावित होती है। और इसी के साथ दोस्तों, कॉलेज की सीटें भी डिपेंड करती हैं, आपने काउंसलिंग कराते समय कितनी कॉलेज भरी थी। तो दोस्तों, राजस्थान BSTC की एग्ज़ाम का आयोजन 8 अक्टूबर को होगा। आज आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे 5 दिन पहले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।